इसकी क्या प्राइस है? काफ़ी अच्छा शेप है इसका माशाल्लाह। क्या प्राइस है इसकी? 950 का है। बाजार में तो काफ़ी पुरानी दौर कदीमी की जी ये शॉप्स हैं, आप चेक करें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो जो भाई हमारे चैनल पे न्यू है या जिस भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज की मज़ेदार वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। गाइस, आज दिन था जी मंडे का, तो हम जा रहे हैं जी कालाबाग। मैं हूँ, मेरे साथ मेरा प्यारा कज़न जी रिजवान अली है। तो हम जा रहे हैं जी कालाबाग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई ईद आने वाली है और उसके बाद थोड़ी बहुत कोई शॉपिंग करनी है बकरीद के हवाले से, तो वहाँ जाते हैं और कोई सामान वगैरह लेते हैं। हमने अपनी पर्सनली कोई शॉपिंग करनी थी और बकरीद के लिए भी हमने कोई छुरियाँ वगैरह भी लेनी थी। तो अभी हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई क्या प्राइसेज हैं छुरियों और सीखों की कालाबाग, और आपको लोहारों वाली शॉप्स का विज़िट कराएंगे। और इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी हम चलते हाँ, तो गाइस चेक करें जी पहाड़ का सीन। ये देखें जी पहाड़, ओए होए होए, क्या औसम किस्म का व्यू है यार। ये पहाड़ चेक करें, आया है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ही प्यारा लुक है यार, बहुत प्यारा व्यू है, मज़ा आ रहा है वायरल। हाँ जी गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं जी कालाबाग। ये देखें जी, ये रास्ता जा रहा है कालाबाग। तो अभी हम चलते हैं जी कालाबाग के बाज़ार में, और शुक्र है मौसम कोई नॉर्मल है, इतनी गर्मी नहीं है, वरना काफ़ी जलील होते गाइस। पर एंजॉय भी कर रहे हैं, सफ़र हमने काफ़ी एंजॉय भी किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। रिजवान भाई, सफ़र कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा भाई। ये देखें जी हाल कालाबाग का, कीचड़ चेक करें जी। सुबह जो बारिश आई है उसके मनाजिर, पानी चेक करें जी सामने, ये सामने मेन बाजार है। तो अब हम जा रहे हैं जी सीधा लोहारों वाले बाज़ार में, क्योंकि वहाँ पे जा कुछ बकरे का सामान लेना, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में। और चेक करें जी, काफ़ी ज़्यादा रश है। हमने चेक करें जी अंकल टोके को तेज करते हुए। हाँ जी गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं शॉप पे, तो जहाँ पे डिफरेंट किस्म की छुरियाँ पड़ी हुई हैं, और उसके बाद जी टोके हो गए, और छुरियों की भी काफ़ी अकसाम है, और टोकों के भी चेक करें जी, इनके साइज़ और शेप काफ़ी मज़ेदार किस्म के हैं। ये देखें जी, तो अभी हम पता करते हैं जी भाई से इनकी प्राइसेस के, भाई इनकी क्या प्राइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जान कोई इनकी प्राइसेस बता दें हमें। इसकी क्या प्राइस है? काफ़ी अच्छा शेप है इसका माशाल्लाह। क्या प्राइस है इसकी? 950 का है। और ये जो है ये सिंपल, ये 750, इसकी प्राइस है 750। और ये 250। अच्छा, उसके बाद ये जो सीखें पड़ी हुई हैं ये वाली, वही लग गई, ये 25 रुपए की है। तो भाई ये एक सीख 25 की है, और ये बड़ी वाली छुरी जो होती है ये 250 250 की है। चेक करें जी, काफ़ी प्यारी है और बड़ी भी है। और इनकी क्या प्राइस है अंकल? ये वाली, ये 150 रुपए की है, ये 200 रुपए की है। अच्छा, ये 400 रुपए की है, ये 600 रुपए की है। और ये वाली जो है, ये इन सीखों क्या प्राइस है? ये 40 रुपए की, ये 40 रुपए की है। ये थोड़ा कंफर्टेबल है गाइस, चेक करिए। हाँ जी गाइस, हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग कर ली है ईद के हवाले से, और उसके बाद भाई अभी हम चलते हैं जी लोहारों वाले बाज़ार में, और आपको विज़िट कराते हैं जी लोहारों वाले बाज़ार का जो कि कालाबाग में है। हम लोग पहुंच चुके हैं जी लोहारों वाले बाज़ार में, तो काफ़ी पुरानी दौर कदीमी की जी ये शॉप्स हैं, आप चेक करें भाई, इनको माहौल चेक कराएं जी ऊपर शॉप।
देख रहे हैं जी सामने कढ़ाई बन रहे हैं, छोटी कढ़ाई कढ़ाई है और कढ़ाई बड़े तो भाई जी काफ़ी पुरानी शॉप है, ऑलमोस्ट 100 साल प्लस की शॉप है ये, 100 साल पहले की। तो आज तो बाजार काफ़ी ज़्यादा बंद है, दो शॉप लोग बंद नहीं करते हैं। ये देखें जी इधर बड़े बड़े कढ़ाई हैं हलवे वाले, शॉप काफ़ी ज़्यादा पुरानी है आप कह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने आपको थोड़ा बहुत विजिट कराया जी दोबारों वाले बाजार का, आज काफ़ी ज़्यादा शॉप खुले की पता नहीं किया था। बहरहाल ये देखें जी सामने पहाड़, और ये बिल्कुल पहाड़ी इलाके में वाक़ है, जो मेन कालाबाग का बाजार है वो भी पहाड़ में, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत मैदानी इलाके जी चेक करें जी, सभी जगह जी है पहाड़ी, और सामने जी है माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद और अल्लाह पाक भी लगा हुआ है इतने में। हाँ जी गाइस, तो आवाम ने ईद की शॉपिंग कर ली है, बकरे छतर लिए हैं अपनी गली में, वो सामने देखें जी एक और दो जा रहे हैं जी, बकरे हैं शायद, हाँ बकरे ही हैं। सिद्धवान भाई पहुँच चुके हैं जी कालाबाग में, जो फेमस और काफ़ी क़दीमी शॉप है आइसक्रीम की, वहाँ पर आइसक्रीम खाने, और रिजवान भाई को मैंने बोला कि इंशाल्लाह आज आपको चेक कराते हैं जी कालाबाग की काफ़ी कदीमी आइसक्रीम, क्योंकि रिजवान भाई को कदीमी चीज़ें खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। रिजवान भाई अब बताना कि इनकी आइसक्रीम कैसी होती है, हाँ बस बस आ गई है, हमारी आइसक्रीम भी आ चुकी है, ये देखें जी रिजवान भाई माशाल्लाह कैसा टेस्ट लग गया आइसक्रीम का, माशाल्लाह सर अच्छा जा रहा है। हाँ जी गाइस गाइस गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी कालाबाग वाले पुल पे, चेक करें जी, और सानू कालाबाग वाले पुल ते बुला के थे आप माही किथे छड़ गया, तो चेक करें जी माहौल, और रिजवान भाई को मैंने बोला कि यार ये काफ़ी ज़्यादा सुकून वाली जगह है, यहाँ पे बंदा आके ना बड़ा ही सुकून महसूस करता है। ये चेक करें जी ऊपर माशाल्लाह जी, यह मौसम भी सुहाना सुहाना हो चुका है, अब बादल आ रहे हैं वो सामने देखें जी, ब्लैक ब्लैक बादल आ रहे हैं, और काफ़ी तेज़ और मूसलाधार बारिश होने वाली है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, हाय 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 गाइस काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ इधर आके, ओए होए काफ़ी ठंडा काफ़ी ठंडी हवा, और उसके बाद जो दरिया से आता हुआ ठंडा ठंडा पानी, तो हम कुछ दो चार फोटोज़ बनाते हैं और उसके बाद जी करते हैं घर की तरफ मुंह, क्योंकि ऊपर चेक करें जी मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, ये ना कि हम रस्ते में बिल्कुल सिन्ने हो के जाएं। तो बहरहाल गाइस अभी हम कोई बनाते हैं दो चार पिक्चर्स और मिलते हैं आपको, चेक करें जी अब इधर ब्लैक बादल आ चुके हैं, और उसके बाद लोगों ने तैयारी कर ली, हम जा रहे हैं जी जल्दी से घर, ये ना हो कि फिर वही हाल हो जाए। बहरहाल चलते हैं जी हम लोग घर, और रिजवान भाई ने काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपनी शूट की और फोटो बनाए हैं, तकरीबन हम इधर 20 मिनट रुक रहे हैं जी फोटो वीडियो। गाइस यू चेक करें आप कालाबाग का है माशाल्लाह, चेक करें जी काफ़ी मज़ेदार व्यू है, पानी चेक करें जी जो धीमी धीमी रफ्तार से जा रहा है, चेक करें ये हाँ जी गाइस, तो आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरिया से पहुंच चुका था जी घर, और काफ़ी थके हुए थे तो इस वजह से वीडियो नहीं बना सका, अभी हम गए थे जी दूध लेने, इधर हमारे साथ एक कच्चा शरीफ है उधर से हम दूध लेने जाते हैं शाम को, तो हम गए थे मैं और रिजवान भाई गए थे जी कच्चा शरीफ, और उसके बाद जी मौसम आप चेक कर सकते हैं अभी तक वैसे का वैसा मौसम बना हुआ है जी, काले बादल बने हुए हैं, और ये है जी सी पैक एंड गाइस गाइस गाइस
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। ख्याल हाफिज़।